Hello, my dear student, how are you? I am fine and I hope you are also quite well. So students, बहुत अच्छी खबर ये है कि 1 दिसंबर से आपके स्कूल खुलने के चांसेस बन रहे हैं। आज अखबार में गाइडलाइन दे दी है और इससे भी गुड न्यूज़ ये है कि 1 नवंबर से मैं आपके लिए लाइव रिकॉर्डिंग लेकर के आ रहा हूँ ऑन बोर्ड। सो अभी तक तो ऐसा होता था कि जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियोज़ तो मेरा फेस आपको नहीं दिखता था, लेकिन 1 नवंबर से जो मैं आपके लिए मैथमेटिक्स की जो वीडियो डाला करूँगा उसमें आपको मेरा फेस भी दिखाई देगा। ओके, तो आपको क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी और आप सोच रहे होंगे कि सर मैथ में काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही है, क्या कारण है। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि कुछ बच्चे जो पीछे रह गए थे उनको मैं कवर करवा रहा हूं अभी। ओके, तो चैप्टर नंबर जो 4 है, ओके, फोर्थ जो चैप्टर है आपके मैथमेटिक्स में, मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। देखो, ये चैप्टर है फोर्थ। इससे पहले का जो कंटेंट यहाँ दे रखा है चैप्टर 1 2 3, ये बड़ा बेसिक एक तरह से रिवीजन होता है, लेकिन एक्चुअल में जो क्लास 6 में जो मैथमेटिक्स जो स्टार्ट होता है वो चैप्टर 4 से स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से बिल्कुल न्यू कंसेप्ट होते हैं जो क्लास 6 के स्टैंडर्ड के हिसाब से होते हैं। तो चैप्टर 4 से जो मैं वीडियो डालना स्टार्ट करूँगा, मैं ऑन बोर्ड पढ़ाऊँगा। ओके, तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, सो तैयार रहिएगा, और आपका कोई भी वर्क पेंडिंग पड़ा हुआ है चैप्टर नंबर 3 तक, जितना भी मैंने करा दिया है उसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। ओके, चैप्टर 3 के अंदर कुछ एक्सरसाइज भी बाकी हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस बकाया हैं अभी, उनके लिए मैं इसी तरह से वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दूंगा आपके लिए। लेकिन चैप्टर 4 से 1 नवंबर से लाइव रिकॉर्डिंग आपके सामने आएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं लाइव। सो लाइव इट मीन्स इस तरह से नहीं कि सारे बच्चे एक ही टाइम पे, मैं डालूंगा तो इसी तरह से कि वो आप के भी किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, क्योंकि प्रॉब्लम यही है लाइव रिकॉर्डिंग में। अगर मैं डायरेक्टली इस तरह से जो जूम ऐप होता है आप इस तरह से बिल्कुल लाइव कर देंगे, क्योंकि सारे बच्चों के घर में जो मोबाइल है वो एक ही टाइम पर फ्री हो, ऐसे ज़रूरी नहीं है। ओके, फिर उसको बाद में रिपीट करके भी नहीं देखा जा सकता। ओके, तो फिर यहाँ पे मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं तो वो क्वेश्चन आंसरिंग करते हैं, तो मैं बेटर तरीके से वहाँ पे करा पाऊँगा। ओके, सो विश यू ऑल स्टूडेंट्स, और इसी तरह से जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। ओके, थैंक्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।